प्रणाम माती। चिरंजीवी हो माती। आप चिंतित लग रही हैं। मैं चिंतित इसलिए लग रही हूं कि मैं चिंतित हूं। कारण माती? नातों के इतिहास में तुम पहले पिता हो जिसने अपने पुत्र का अधिकार किसी और को दिया है। तुम कैसे पिता हो पुत्र? मैं एक ऐसा पिता हूं माते, जो केवल पिता ही नहीं एक राजा भी है। पुत्र फिर भी पुत्र होता है भरत। आप मां हैं, ममता ने आपको विवश कर दिया है। मैं राजा हूं, न्याय ने मुझे जकड़ रखा है। मेरा परिवार बहुत बड़ा है माते, और फिर मैं जिसे युवराज नियुक्त करने जा रहा हूं वो भी तो मेरा ही पुत्र है, क्योंकि वो मेरी ही प्रजा में से एक है। सारा जन समुदाय मेरा परिवार है। यदि मैं अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दूं तो ये राज्य और प्रजा दोनों के साथ अन्याय होगा। राजमाता, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके पुत्र ने न्याय किया है। आर्य पुत्र कंगे, तो तुम्हें मुझ पर दया आ ही गई। कैसे है महाराज? आत्मा बिना शरीर कैसा हो सकता है प्रिय? अब और देर न करो, गंगा के पानी को मुक्ति दिलाकर हम राजभवन चलते हैं। जो तुम्हारे बिना ऐसा लगता है जैसे दीप बिन दिवाली की रात गुलाल बिन होली का दिन, हम एक बार फिर सुख चैन का वही जीवन जिएंगे प्रिय। बहता हुआ पानी कभी लौटा है आर्य पुत्र, जो मैं लौटाऊंगी। अतीत कभी वर्तमान नहीं बन सकता, मैं आपका अतीत हूं और आपका भविष्य आपको लौटाने आई हूं। तुम्हारे बिना मेरा कोई भविष्य नहीं है प्रिय। है आर्य पुत्र, है, और मैं आपका भविष्य अपने साथ लेकर आई हूं, क्योंकि वास्तव में भविष्य अतीत की कोख से ही जन्म लेता है। वो रहा आपका भविष्य। देखो, आज मैंने नदी को फिर से रोक दिया था। हाँ पुत्र, मैंने भी देखा और तुम्हारे पिता महाराज ने भी। पिता महाराज? देख क्या रहे हैं महाराज, अपने पुत्र को संभालिए। पुत्र, अपने पिता महाराज को प्रणाम करो। आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगे मिले न भीख। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? मां ने मेरा नाम देवव्रत रखा है। विद्या किससे सीखी है?
ऋषि भार्गव से पिता महाराज। आप क्या समझे थे आर्यपुत्र कि मेरी ममता पुत्र प्रेम में अंधी होकर इसे युवराज कह गई? मुझे भरत वंशियों की इस परंपरा का ज्ञान है कि वो जन्म में नहीं कर्म में विश्वास करते हैं, कि वो जन्म भोगी नहीं कर्म योगी होते हैं। मेरे और तुम्हारे पुत्र को योग्य तो होना ही चाहिए प्रिय। यह आवश्यक नहीं था आर्यपुत्र, परंतु हस्तिनापुर की राजगद्दी पर कर्म का ही अधिकार चला आ रहा है, इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि देवव्रत ऋषि वशिष्ठ से वेद और वेदांत की शिक्षा प्राप्त करे और गुरु बृहस्पति से राजनीति सीखे, जो इसने किया। और जब ऋषि भार्गव ने यह कह दिया कि अब त्रिलोक में इस बालक के वानों का सामना कोई नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि हस्तिनापुर को उसका युवराज लौटा दिया जाए। गंगे, हस्तिनापुर इसे पाकर धन्य हो गया। अब तुम अपने पिता महाराज के साथ हस्तिनापुर जाओ, जहां इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और आप माते? वृक्ष की छाया वृक्ष से बंधी होती है, वो चाह कर भी यात्री के साथ आगे नहीं जा सकती। तुम्हारे लिए मैं भी एक ऐसी ही छाया हूं, समय के वृक्ष से बंधी हुई। अब तुम अपने पिता महाराज के साथ जाओ और हस्तिनापुर में अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो आज्ञा माते। अच्छा आर्य पुत्र, चलती हूं। प्रिये, चिंता का कारण माते? मैं चिंतित नहीं हूं पुत्र, मुझे ये नहीं पता कि मुझे तुमसे जो कुछ कहना है वो कोई माता अपने पुत्र से कैसे कहे। पिताश्री ने आपसे यही कहा था ना माते, कि आपके कंधों पर इतिहास का बोझ पड़ने वाला है। मैं सब जानता हूं माते, संभवतः उस बोझ का ज्ञान अब आपको हो रहा है। मेरे पिता के दुराग्रह ने मुझे इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। संभव है पिताश्री ने मुझे इसी ऐतिहासिक क्षण पर आपकी सेवा करने के लिए मृत्यु लोक में आने का आदेश दिया था। आपका क्या आदेश है माते? यदि जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो?
पूछ इसलिए रहा हूं माते, ये केवल माता और पुत्र की समस्या नहीं है, इस समस्या का संबंध औरों से भी है। इस समस्या का संबंध हस्तिनापुर से भी है और भारतवर्ष के इतिहास से भी। और आप केवल मेरी माता नहीं हैं, आप राजमाता भी हैं। आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए माते। राजमाता की ये समस्या है कि हस्तिनापुर का सिंहासन सुना है, मेरे दोनों पुत्र इस लोक को त्याग गए हैं, महाराज के ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मचर्य के लिए वचनबद्ध हैं, इसलिए मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र को कष्ट देना पड़ा। अंबिका और अंबालिका की कूप का मान रखना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि तुम चित्रांगत और विचित्र वीर्य के ज्येष्ठ भ्राता हो। आपका आदेश सिर आंखों पर माते, परंतु इस कर्तव्य पालन के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मैं उग्र साधना में था, आपका आदेश मिला वैसे ही चला आया, भीष्म का स्वागत भी न कर सका। अभी मेरा रूप आपके आदेश के योग्य नहीं है माते। एक वर्ष उपरांत मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। मेरे पास एक वर्ष नहीं है पुत्र। आप माता है, आप मेरा रूप देख नहीं रही। माँ का आदेश है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। जो आज्ञा माते, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वर्तमान की झोली में अपना उपहार डालकर आगे बढ़ जाए। बहुत रात हो गई है, सो जा लल्ला, सो जा। कहानी सुने बिना कैसे सो जाऊं मैया? जैसे तेरा दाऊ सो गया है। दाऊ की बात और। तू बहुत हठी हो गया है, मैया को बहुत सताने लगा है। मैया, तुम्हें मेरा सताना अच्छा नहीं लगता? मुझे तो तेरा सब कुछ अच्छा लगता है। उल्हाने सुनना भी? हाँ। मटकी फोड़ना भी? हाँ। माखन खाना भी? हाँ, लल्ला हाँ। तो कहानी सुनाओ ना मैया। अच्छा सुन। एक थे राजा। कहाँ के? कहीं के भी हो, तुसे क्या? तुसे कितनी बार कह चुकी हूँ कहानी के बीच मत चौंका कर, पर तू भला सुनने वाला है? अयोध्या के राजा थे, नाम था दशरथ। और कुछ बताऊँ? नहीं मैया, मैं समझ गया। तीन रानियों से चार पुत्र थे राजा के, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े थे, पर भरत की माँ कैकेयी ने महाराज को पुराने वचनों की रस्सी में जकड़ लिया। राम ने पिता के वचन का मान रखा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वरु वचन न जाए। राम को वनवास मिला और भरत को राजगद्दी, पर भरत कम मानने वाले थे, राम को मनाने वन में गए। राम न माने तो भरत तपस्या करने बैठ गए। वहां राम पंचवटी में ठहरे थे, सेवा करने के लिए छोटा भाई लखन साथ था और सीता सुकुमारी। एक दिन क्या हुआ कि एक राक्षस सोने के हिरण के रूप में कुटिया के सामने से निकला। सीता ने राम से कहा, मुझे तो ये हिरण चाहिए। राम जाते जाते लखन से कह गए कि तुम अपनी भाभी के पास रहना। ये सब तो लंकापति रावण का माया चाल था। दूर से राम की पुकार सुनाई थी,
सीता तड़प उठी, बोली, लक्ष्मण जाओ, भाई की सहायता करो। लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए। ब्राह्मण के वेश में रावण भिक्षा मांगने आया और सीता को भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ी। बस रेखा के पार होते ही रावण सीता को हर ले गया। सीता ने पुकारा, हे नाथ, हे नाथ। लक्ष्मण, कहाँ है मेरा धनुष, कहाँ है मेरा वाण? क्या हुआ लल्ला, क्या हुआ? अरे ऐसा काहे को करता है, सो जा। क्या हुआ यशोदा, काना क्यों चिल्ला रहा था? राम जाने क्यों, राम जी बनकर लक्ष्मण से धनुष बाण मांग रहा था रावण से जूझने के लिए। मैं तो डर ही गई थी। चल सो जा। काना काना मैया भाले उतार दीजिए, कूद दीजिए। अरे क्यों रे, घर में माखन नहीं है क्या? आज मैं समझी तू चोर है, सचमुच चोर है। मैया सारे गांव को त्रास ही त्रास हो रहा है तेरी माखन चोरी के कारण। आज तू चोरी करके माखन खाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया कि नहीं? क्या माखन नहीं खाया तूने? मैया, मैं तो नहीं जाने दूंगी। मैया 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 मत ही करे लल्ला, मैं तो तुझे कभी मथुरा नहीं जाने दूंगी। रोहिणी बहन, तनिक तुम ही समझाओ ना इस हठीले को। यशोदा बहन ठीक ही तो कह रही है लल्ला। इसे मत रोको यशोदा। तुम माँ नहीं हो ना, जभी तो कहती है किसी नारों को, पर मैं तो माँ हूँ, कैसे न रोकूं अपने लल्ला को? उस दिन के जन्मे बच्चों में एक यही तो बचा है, और स्वयं मैं उस हत्यारे के पास भेज दूँ? ना, ये तो ना होगा जी। मैया, मैं महाराज से ये थोड़ी कहने जा रहा हूँ कि मैं किस दिन जन्मा था। तू चुप रह लल्ला, मैंने कह दिया ना मैं नहीं भेजूंगी। अरे यशोदा, अक्रूर जी है ना वहाँ उसकी देखभाल के लिए। लो इनकी सुनो। अरे जब मैं यहाँ इस नटखट की देखभाल नहीं कर पाती तो ये क्या वहाँ अक्रूर जी के वश में रहने वाला है? इसे न खाने की सुध, न सोने जागने की चिंता। ये नंदगांव तो इसका है, ये किसी का माखन चुरा कर खा जाता है तो कोई कुछ नहीं कहता, ये किसी की मटकी फोड़ देता है तो कोई कुछ नहीं कहता। किसी दिन किसी के घर जाकर माखन न खाए तो लोग पूछने आ जाते हैं कि ये स्वस्थ तो है, ये जिधर जाता है नंदगांव की आंखें इस पर होती हैं, वहां कौन होगा? तुम्हारी सहेली देवकी है ना, वो उसका ध्यान रखेगी। वो दुखिया तो बंदी गृह में है कान्हा के बाबा। मैं तो मथुरा देखने जाऊंगा मैया। मथुरा देखने की लालच में तुम मैया को छोड़ चला रहे किसना? मथुरा कितनी दूर है मैया, तनिक ऊंचे स्वर में पुकारोगी तो मैं दौड़ा चलाऊंगा। मैया
पृथ्वी वाणी किरण गतिमति माता ज्ञान गो माता को पूज कर तिलक करे भगवान यह आशीर्वाद ना दीजिए माते। मैं पहले ही से पिताश्री के वरदान की डोर में जकड़ा हुआ हूँ। इतने दुखी ना हो पुत्र। दुख की तो कोई सीमा ही नहीं होती ना माते। परंतु आज इतने दुखी क्यों हो? एक कारण हो तो बताऊं। मैं शोक मना रहा हूँ उन जीवन मूल्यों का जिनकी मृत्यु मेरी आंखों के सामने हो रही। मैं शोक मना रहा हूँ उस उजली रेखा का जो हमारे पूर्वजों ने सत्य और असत्य के बीच खींची थी माते। मैं रो रहा हूं उस कठोर सच्चाई पर कि मैंने पिताश्री को जिस सिंहासन की रक्षा करने का वचन दिया था, जिस सिंहासन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, उस सिंहासन को धृतराष्ट्र का पुत्र मोह अपमानित कर रहा है। लोभ ने उसके विवेक की आंखों पर पट्टी बांधी है और अभिमान उसके सर चढ़कर बोल रहा है। और मेरी विवशता यह है कि मैं पांडु पुत्रों को स्नेह और आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं दे सकता माते, कुछ नहीं दे सकता। मन मेला न करो पुत्र। तो फिर मैं क्या करूं माते? जब जी बहुत व्याकुल हुआ करे तो माँ के पास चले आना। तुम तो स्वयं इस युग में विंध्या पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर हो। तुम तो जानते हो कि सीढ़ी तो एक ही होती है, उसी से चढ़ते भी है, उसी से उतरते भी है। परंतु सीढ़ी चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जाकर तो वो समाप्त होती ही है। तो जब सभ्यताएं और संस्कृतियां इस सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक जा पहुंचती हैं, तो उन्हें उतरना ही पड़ता है पुत्र। और जब वो उतरने लगती हैं, तो वो जीवन मूल्य कुचले जाते हैं जिनके आधार पर वो ऊपर चढ़ी थी। और इस गिराव से बचने के लिए उनके हाथ में जो भी आता है वो उसे पकड़ लेती है। राजनीति भी इस नियम के चक्र से बाहर नहीं। ये युग भारतवर्ष के उतार का युग है पुत्र। परंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनुष्य सीढ़ियां बनाना जानता है। ये न भूलो पुत्र कि अमृत पाने के लिए सागर को मथना पड़ता है। और ये भी न भूलो कि सागर मंथन में पहले विष निकलता है और किसी न किसी को वो विष पीना पड़ता है। तुमने वही विष पीने के लिए जन्म लिया है पुत्र, यही तुम्हारा कर्म है। भोजन करने नहीं चलोगी माते? मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मैं आपके स्नेह का ऋणी हूं माते, इस ऋण को चुकाए बिना मैं नहीं जा सकता। अरे तो तुझे जाने के लिए कौन कह रहा है? तुझे पाने के पश्चात तो मैं अपने पुत्र को भी भूल गई हूं वत्स। तूने कभी उसके लिए मुझे रोते देखा है? मैं देवकी या यशोदा से अपनी तुलना नहीं कर रही हूं वत्स, परंतु क्या मां की ममता का ऋण चुकाया जा सकता है? अरे मां के हृदय की पीड़ा तो स्वयं नारायण भी नहीं समझ सकते, क्योंकि वे परम पिता हैं, परम माता तो नहीं है ना? माते, किसी गुरु माता को ये बातें शोभा नहीं देती। अब समय आ गया है
कि वासुदेव कृष्ण यहां से मथुरा लौट जाएं। ये जो भी दें उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करो। हाँ हाँ जाए, मैं रोक थोड़े ही रही हूं, अवश्य जाए। पर यह सोचता होगा कि इसे मैं हंसते हुए जाने की आज्ञा दे दूंगी, तो ये इसकी भूल है। अब तो जाने का समय आ गया गुरु माता, आज तो अपने हाथों से मुझे खिला दो। सच कहता हूं, मेरा पेट ना तो नंदगांव में भरा, ना मथुरा में, और ना ही यहां। बड़ा भाई होकर तो मैं बहुत ही पछता रहा। दाऊ, तुम चाहे मेरे बड़े भाई बनो या छोटे, पछताओगे अवश्य। पर गुरु माता, ये है मुझ पर बड़ा अन्याय। बड़ा भाई होने के नाते माता के स्नेह पर सबसे पहला अधिकार तो ज्येष्ठ पुत्र का ही होना चाहिए ना। माँ के स्नेह पर पुत्रों का अधिकार एक समान होता है वत्स। अब चलो माता, भोजन करा दो, बहुत भूख लगी है, और उसके पश्चात हमें आपके पुत्र को भी तो लेने जाना है। और आज जब आप पहला कौर मुझे खिलाएंगी तो मेरा जाना और भी आवश्यक हो जाता है। वो क्यों दाऊ? कौर पचाने के लिए। प्रणाम माते। आयुष्मान भवा, तुम इतने दुखी और चिंतित क्यों हो पुत्र? मुझे यहाँ से कब मुक्ति मिलेगी माते? जब तुम देखो कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन चहुओं से सुरक्षित है। तुम्हारे कंधे बहुत शक्तिशाली हैं पुत्र, अपनी प्रतिज्ञा का बोझ उठाकर जीते रहो। पांडु के राजा बनने के पश्चात मैंने ये सोचा था कि हस्तिनापुर अब चहुओं ओर से सुरक्षित है, परंतु तुम विधाता तो नहीं हो ना पुत्र। ये पृथ्वी तुम्हारी कर्म भूमि है, अपने कर्म अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहो। जहां तक तुम मार जाए वहां तक चलते रहो। ये मार्ग तो मेरा अपना ही चुना हुआ है माते, अपने लिए स्वयं मैंने ही तो इस मार्ग को चुना है। परंतु जिसे माता पिता का स्नेह एक साथ प्राप्त न हुआ हो वो थोड़ा सा लालची हो जाता है, स्नेह का लालची। तो जब मुझे स्नेह की आवश्यकता हो तो आपके अतिरिक्त मैं और कहां जाऊं? आपके दर्शन पाते ही मेरे इस विश्वास को कि मैं पृथ्वी पर अकेला नहीं हूं थोड़ा सा बल मिल जाता है। कल का दिन हस्तिनापुर पर बहुत भारी है माते, इसलिए आपके पास थोड़ा सा ममता का प्रसाद लेने चला आया हूं। कल पिता और राजा, न्याय और अन्याय के संघर्ष का दिन है माते, और मैं इसमें अन्याय का साथ देने के लिए विवश हूं, क्योंकि आज हस्तिनापुर का राज मुकुट अन्याय के सर पर रखा हुआ है माते। आप विधाता से कहें कि वो मेरे हस्तिनापुर के चंद्रमा के इस ग्रहण को काट दे। होनी टल नहीं सकती पुत्र, वो तो होकर ही रहेगी। परंतु माते, माताश्री आप विराजी। बैठो पुत्रों, ये किस विषय पे वाद विवाद हो रहा है? कौन कायर है? कैसी ढाल? भूख लग रही थी, उसे टालने के लिए यूं ही हम लोग आपस में कुछ कह सुन रहे थे। सहदेव का प्रस्ताव ये है माताश्री कि हम सभी वारणावत चलें तो कैसा रहेगा? तुमने तो मेरे मन की कह दी पुत्र। तुम्हारा अकेला जाना मुझे यूं भी उचित नहीं लग रहा था पुत्र, परंतु तुम लोगों के साथ मेरा जाना क्या उचित रहेगा पुत्र? ये आप क्या कह रही है माताश्री? यदि आप नहीं गई तो मैं नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं गया तो कोई नहीं जाएगा। हाँ हाँ माताश्री, आपको हमारी चलना ही। अच्छा अच्छा, मैं भी चलूंगी। समझ न पाए पांडुसुत कपट चाल का जाल, प्रेम सना विष प्रेम से
स्वीकारा तत्काल, स्वीकारा तत्काल। भीम माताश्री बैठा रहे पुत्र, थोड़ा सो ले। आप सो जाइए माताश्री, बीच वन में है, कौन जाने किधर से कौन आ निकले। अच्छा तो अर्जुन को उठा के लेट जा पुत्र। नहीं माताश्री, ज्येष्ठ हूँ, अपने विश्राम के लिए अपने अनुज को कैसे कष्ट दे सकता हूँ। तो युधिष्ठिर को उठा ले पुत्र। ऐसा कैसे हो सकता है माताश्री, अनुज हूँ। वो अनुजी क्या जो अपने भाग का विश्राम अपने ज्येष्ठ भ्राता को न दे सके। आप सो जाइए। अच्छा कोई संकट आ पड़े तो अपने भाइयों को उठा लेना पुत्र। ऐसा क्या संकट आ पड़ेगा माताश्री जिसके लिए मुझे अपने भाइयों का विश्राम भंग करना पड़े। माताश्री जो सबके लिए संकट होगा उसके लिए तो स्वयं मैं बहुत बड़ा संकट हूँ। आप सो जाइए। ठीक है। आज हम बड़ी अच्छी भिक्षा ले आए हैं माताश्री। सारे भाई आपस में बांट लो। ये देवी कौन है पुत्र? माताश्री ये कांपिल्ले की राजकुमारी द्रौपदी हैं। अर्जुन ने इसे स्वयंवर में जीता है। अखंड सौभाग्यवती भवा। परंतु माताश्री आपने इनके विभाजन का आदेश दिया है। इसके विभाजन का आदेश? क्या मेरी मति मारी गई है कि मैं पुत्र वधु के विभाजन का आदेश दूंगी? अर्जुन तुमने तो भिक्षा, तुम दोनों ने द्रौपदी को भिक्षा बताया था, पत्नी को भिक्षा कहा तुमने, माँ से झूठ बोले अर्जुन। अब बांटो इसे और बांट कर दिखलाओ मुझे। क्या समस्या है माताश्री? ये तो तुम अपने इन दोनों अनुजों से ही पूछो युधिष्ठिर, जो पत्नी को भिक्षा मानते हैं, वस्तु समझते हैं। क्या भरत वंशियों की यही मर्यादा है? तुम तो साक्षात धर्म हो, तुम ही बताओ युधिष्ठिर। नारी तो शक्ति है माताश्री, नारी के बिना नर संपूर्ण नहीं हो सकता। नारी चाहे माता के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे पुत्री के रूप में, नारी सदैव आदरणीय है। भीम और अर्जुन ने नारी को भिक्षा कहके नारी का अपमान किया है। और माता परम गुरु भी है, उसका कोई भी आदेश अस्वीकारने हो ही नहीं सकता। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? हाँ, माताश्री के मुंह से आज तक कोई अस्वीकारने बात नहीं निकली। तो फिर माताश्री के अनजाने में दिए गए इस आदेश में भी कोई ना कोई रहस्य अवश्य होगा। वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, अतीत में उसका कोई ना कोई अंकुर अवश्य होगा। तो क्या तुम ये कह रहे हो युधिष्ठिर कि द्रौपदी को पांचों भाइयों में बांट दिया जाए? ये मैंने नहीं कहा माताश्री, ये आपने कहा है, ये आपका आदेश है। मैंने तो भिक्षा के लिए कहा था पुत्र। ये आप जाने, परंतु ये सोच लीजिए माताश्री कि भविष्य में जो कुछ भी होना है वो ना आप जानती हैं और ना मैं। हो सकता है कि आपकी जीप पर बैठकर स्वयं काल ने यह निर्णय लिया हो। युधिष्ठिर तुम कोई उदाहरण दे सकते हो पुत्र? अवश्य दे सकता हूं माताश्री। गौतम कुल की एक कन्या जटिला का विवाह सात ऋषियों से हुआ था। दाना हिरण्याक्ष की बहन प्रचित्ति का विवाह दस भाइयों से हुआ था। परंतु क्या विवाह और विभाजन में कोई अंतर नहीं है भ्राताश्री? वास्तविकताओं के इस चक्रव्यूह से निकलने के मार्ग का ज्ञान
मुझे नहीं है प्रिय नकुल। वासुदेव का प्रणाम स्वीकार कीजिए बुआ। युग युग जियो वत्स, द्वारका में तो सब कुशल है ना? आपके आशीर्वाद से वहां तो सब कुशल है, परंतु इस समय मुझे यहाँ कुशलता दिखाई नहीं दे रही। हम एक धर्म संकट में पड़ गए हैं वत्स। भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और मुझसे कहने लगे कि माते, हम एक बहुत अच्छी भिक्षा लेकर आए हैं। मैंने देखे बिना ही कह दिया कि सारे भाई आपस में बांट लो। अब द्रौपदी कोई वस्तु थोड़ी है जिसका विभाजन किया जाए। ये तो आप स्वयं द्रौपदी से ही पूछिए। ये क्या बताएगी वत्स? यही तो बताएगी, क्योंकि इसी ने पूर्व जन्म में यह नहीं सोचा था कि गागर में समाई कितनी है और महादेव से सागर का वरदान मांग लिया। और जब वो बोले कि यह संभव नहीं है, तो ये बोली कि ईश्वर के लिए भला क्या असंभव हो सकता है, परंतु महादेव के लिए भी गागर को नदी का वरदान देना संभव नहीं है। द्रौपदी, तुमने ऐसा क्या मांग लिया था महादेव से पुत्री? ये तुम बताओगी द्रौपदी की, ये भी मैं ही बताऊं? द्रौपदी ने महादेव से एक ही वरदान में लपेटकर 5 वरदान मांगे थे बुआ। उसने एक ऐसा पति मांगा था जो धर्म का चिन्ह हो, प्रतीक हो, सत्य का संकेताक्षर हो, जो हनुमान की भांति बलवान भी हो, परशुराम जैसा धनुर्धर हो, सुंदर तो ऐसा हो कि समय भी देखता रह जाए और सहनशीलता में कोई उसके समान न हो। क्या तुमने ऐसा नहीं मांगा था द्रौपदी? और क्या महादेव ने यह नहीं कहा था कि यह सारी श्रेष्ठताएं एकत्र नहीं हो सकती? कुछ मांगने से पहले तुम्हें यह सोच लेना चाहिए था द्रौपदी कि जो मांग रही हो तुम्हारे हाथ में उसकी समाई है या नहीं। महादेव से तुमने हट करके वरदान तो ले लिया, अब बुआ के मुख से स्वयं महादेव बोले हैं, क्योंकि आधुनिक संसार में युधिष्ठिर ही धर्म का चिन्ह है। यह है महादेव का पहला वरदान। आधुनिक संसार में भीम से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। महादेव का दूसरा वरदान। आधुनिक संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन है। यह तुम्हारा तीसरा वरदान। आधुनिक संसार में नकुल से अधिक सुंदर कोई नहीं, तुम्हारा चौथा वरदान। सहदेव सहनशीलता में सर्वोत्तम है, तुम्हारा 5वां वरदान। हाँ, ये सारे वरदान लौटाकर यदि तुम महादेव का अपमान करना चाहो तो ये तुम पर निर्भर है द्रौपदी। अरे, आप सब लोग द्रौपदी की ओर क्यों देख रहे हैं? पार्थ, तुमने स्वयंवर अवश्य जीता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जीती जागती द्रौपदी भिक्षा हो गई। माता परम गुरु होती है, अर्थात तुमने अपने परम गुरु से झूठ बोला है। और बुआ, मां होने का अर्थ ये नहीं कि आप देखे बिना, सोचे बिना, समझे बिना आदेश दें कि आपस में बांट लो। आपने ममता की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो आज से ये जीवन आप सबकी तपस्या भी है और प्रायश्चित भी। पूर्व जन्म में थे दिए शिव ने जो वरदान, वरे 5 वर द्रौपदी 5ों गुणी महान, 5ों गुणी महान। अभिमन्यु ठहर जा, अभिमन्यु ठहर जा, नहीं तो आज मैं तुझे बहुत पीटूंगी। अरे अभिमन्यु, तुम इधर उधर क्या देख रही हो सुभद्रा? मैं तो तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ। आप भली भांति जानते हैं भैया कि मैं इधर उधर क्या देख रही हूँ। कहाँ है वो नटखट? नटखट? ये तो मेरे अनेक नामों में से एक नाम है, परंतु तुम तो मुझे भैया ही कहा करो। वो नाम मुझे नंदगांव वालों ने दिया था, और तब मैं था भी बड़ा ही नटखट। इसका माखन चुरा के खा गया, उसकी मटकी तोड़ दी। यशोदा मैया तो ओलाहने सुनते सुनते थक जाती थी। मैं अभी मन्यू को खोज रही हूँ भैया। अच्छा, आप चाहे नंदगांव में मुझे कितना ही घुमाएं,
आज मैं उसे पीटे बिना नहीं छोड़ूंगी। मामा शिव बताइएगा मत। अच्छा तो तू यहाँ छिपा है? अब ये मेरी शरण में है सुभद्रे। आओ पुत्र। वाह वाह, ये कभी मत भूलना सुभद्रा कि यदि ये आने वाला ना होता तो अर्जुन से तुम्हारा विवाह भी ना हुआ होता। ये बालक तुम्हारे जीवन का अर्थ है और ये तुम्हारे पास भविष्य की धरोहर की भांति है। ये तुम्हारा पुत्र होने के नाते याद नहीं रखा जाएगा, परंतु तुम इसकी माता होने के नाते याद रखी जाओगी। तो क्या मैं इसके चरण स्पर्श करूं? नहीं, ये तो इसी बालक का सौभाग्य है। परंतु सुभद्रा, अपनी ममता का सारा कोश निछावर कर दो इस पर। अभिमन्यु, अपनी माँ को सताया अवश्य करो, क्योंकि ये तुम्हारा अधिकार है, किंतु इतना भी न सताया करो कि माँ रो पड़े। माँ का रोना ईश्वर को अच्छा नहीं लगता। आप कहते हैं ना कि मुझे पिताश्री जैसा धनुधर बनना है, कहते हैं कि नहीं? कहता हूँ पुत्र, और तुम्हें अर्जुन जैसा धनुर्धर बनना ही है। तो आप मेरी माताश्री को समझा दीजिए ना। जब अभ्यास करने लगता हूँ तो कहती हैं भोजन का समय है, विश्राम का समय है। सुन लिया आपने? ये तपस्वी है सुभद्रा, यही इसके मोक्ष का मार्ग है। इसे टोका ना करो। ये मानव इतिहास में सबसे कम आयु वाला महारथी होने वाला है, और यह ऐसा युद्ध करेगा सुभद्रा कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही इसे सदैव प्रणाम करते रहेंगे। ये आप किस युद्ध की बात कर रहे हैं भैया? मैं उस युद्ध की बात कर रहा हूं प्रिय सुभद्रा, जो इस युग में सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार के बीच होने वाला अंतिम युद्ध होगा, निर्णायक युद्ध होगा, जिस युद्ध में कोई निष्पक्ष नहीं रह पाएगा। सुभद्रा, और तुम अभिमन्यु बनकर इस युद्ध में भाग लोगी। और आप? सब कुछ आज ही पूछ लोगी सुभद्रे। ले जाओ इसे और इसके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो। इसके धनुष में अपने आशीर्वाद का बाण लगाओ और अपने आशीर्वाद ही का कवच इसे पहनाओ, क्योंकि मैं जिस युद्ध की बात कर रहा हूं सुभद्रे, उसका एक पूरा दिन इसके नाम होने वाला है। ये युद्ध में विजयी तो होगा ना भैया? ये ऐसा रण जीतेगा सुभद्रे कि संसार के बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी इसे प्रणाम करेंगे। संधि और मेरे बीच पिछले 17 दिन और अनगिनत शव है माता श्री। यदि मुझे मेरा प्रिय राधे वापस मिल जाए तो कदाचित मैं संधि कर भी लूं। यदि मुझे मेरा प्रिय दुशासन वापस मिल जाए तो कदाचित मैं संधि कर भी लूं। यदि पितामह के वृद्ध शरीर से सारे वाण निकाल लिए जाएं तो कदाचित मैं संधि कर भी लूं। परंतु जैसे ये सब संभव नहीं है माता श्री, उसी तरह अब संधि भी संभव नहीं है। और अब मैं संधि करके अपने मित्र राधे की निष्ठा, अपने प्रिय अनुज दुशासन के प्रेम, अपने गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु और पितामह के अनगिनत घावों का अपमान नहीं कर सकता माता श्री। मैं ये नहीं चाहता कि आने वाला युग आपको कायर दुर्योधन की माता के नाते याद करे। इसलिए अब मेरे पास युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह गया माता श्री। हे माते, क्या आप मुझे अस्त होते हुए चंद्रमा को साक्षी मानकर विजय श्री का आशीर्वाद देंगी? नहीं पुत्र, ये आशीर्वाद तो मैं नहीं दूंगी। अपने प्रिय पुत्रों के खो जाने के पश्चात भी
ये आशीर्वाद तो मैं नहीं दूंगी, किंतु ये शिव भक्तनी तुम्हें कवच पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान कराओ और गंगा तट से सीधे मेरे पास आओ, किंतु वैसे ही जैसे तुमने जन्म लिया था। नग्न माता श्री, मां के समक्ष कैसी लज्जा। मां से ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते। जो आज्ञा माता श्री। प्रणाम माता गांधारी। आओ गिरिधर, आओ मधुसूदन। नहीं, आज मैं तुम्हें देवकी नंदन कहूंगी। आओ देवकी नंदन। आप जिस भी नाम से पुकारेंगे माता, मैं बोलूंगा। ये तो तुम्हें याद ही होगा देवकी नंदन, कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की मां थी और आज केवल एक पुत्र की मां रह गई हूं। सौ और एक के बीच केवल शव ही शव है। देवकी नंदन, तुम तो उन शवों को पहचानते होगे। वे मेरे पुत्रों के शव थे। हाँ माते, और इन शवों में एक शव ऐसा भी है जिसे आप पहचानते हुए भी नहीं पहचानती, और वो शव है ज्येष्ठ कौंतेय का। क्या युधिष्ठिर? नहीं माता, बड़े भैया ज्येष्ठ कौंतेय नहीं है। ज्येष्ठ कौंतेय वो था जिसे आप सब राधेय के नाम से जानते और समझते थे। राधेय? इसलिए ऐसा नहीं है माता कि शवों के इस ढेर में मेरी बुआ का कोई योगदान ही ना हो। वो कुंती पुत्र था। हाँ माते, इसलिए ये न सोचिए माता कि आपके पुत्र दुर्योधन के पक्ष में मेरी बुआ की ओर से कोई युद्ध ही नहीं कर रहा था। दुर्योधन को महत्वाकांक्षा का रोग है, राधेय को निष्ठा का रोग था। वो सब कुछ जानते हुए भी आपके पुत्र दुर्योधन के पक्ष में स्वयं अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। इसलिए है माता, शव न गिनिए। ये तुम कह सकते हो देवकी नंदन, क्योंकि तुम मां नहीं हो। विजय के उपरांत जब द्वारिका जाना तो देवकी से पूछना कि कोख उजड़ने की पीड़ा कैसी होती है।
पीड़ा जनन पीड़ा से कहीं अधिक होती है। वो अपने पुत्रों पर रो चुकी है, वो मेरी पीड़ा समझ जाएगी और वो ये भी समझ जाएगी कि मैं आज तुम्हें शाप क्यों दे रही हूँ। माते, हे वासुदेव कृष्ण, इस युद्ध का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। यदि तुम चाहते तो ये युद्ध ना होता, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। अवश्य रोक सकता था माते, अवश्य रोक सकता था, किंतु ये युद्ध आवश्यक था माता। हे यदुनंदन, सुनो, मैं शिव भक्तनी गांधारी आज तुम्हें ये शाप देती हूँ कि मेरे परिवार की भांति यदु वंश का भी विनाश हो जाए। हे माता, सोचा था कि आज्ञा लेने से पहले चरण स्पर्श करूंगा, किंतु अब चरण स्पर्श करके मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता। क्योंकि जो अब मैंने चरण स्पर्श किया माते, तो आप आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाएंगे। इसलिए हे माते, आपका ये पुत्र केवल जाने की आज्ञा मांग रहा है। युवराज दुर्योधन, तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल आए? और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है, क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? माता श्री का यही आदेश था। किंतु वो तुम्हारी माता हैं, उन्होंने अनेक बार तुम्हें अपनी गोदी में लिया होगा, किंतु तुम तो माता नहीं हो ना, तुम तो पुत्र हो और वो भी वयस्क। और एक युवा पुत्र अपनी माता के सामने इस दशा में जाएगा पूर्ण नग्न? भरत वंश की तो यह परंपरा नहीं है युवराज। किंतु भरत वंश की परंपराओं का आदर करना तो तुमने कब का छोड़ दिया है। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, जाओ। माता श्री, मैं स्नान करके आ गया। माता श्री, मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ पुत्र। जो आ गया माता श्री। हे पुत्र, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूं। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी।
अल्लाह किया पुत्र। मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माताश्री? किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। तुम्हारे शरीर का वो भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, दुर्बल रह गया पुत्र। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले न होते तो अजय हो गए होते पुत्र। तो मैं ये केले की पत्ते हटा देता हूं माताश्री। मैं कोई मायावी नहीं हूं पुत्र। मैंने अपनी उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व, अपनी तपस्या और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। आप चिंता न करें माताश्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उस निमुचिये भीम को इतनी मार मारूंगा कि वो घबरा कर वीर गति की प्राप्ति की ओर चला जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत जो भी।